ये कहानी है एक गरीब किसान बिरजू की, जो किसी गांव में अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता है। बिरजू ने जैसे तैसे अपने खेतों में मेहनत करके अपनी बेटी को स्कूल की विद्या दिलवा दी थी, लेकिन अब उसके लिए उसे कॉलेज में पढ़ाई करवाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसकी बेटी अपनी माँ से कॉलेज में आगे पढ़ाई करने की बात कहती है। उसकी माँ कहती है कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, पता नहीं तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा या नहीं। बेटी अपने पिता के पास जाकर कहती है कि उसे पढ़ना है, किसी भी तरीके से उसे किसी कॉलेज में एडमिशन दिलवा दें। उसके पिता कहते हैं कि बेटी, कॉलेज में फ़ीस बहुत ज़्यादा है और मैं इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं दे सकता। तीनों आपस में बैठकर सलाह मशवरा करते हैं कि क्या हो सकता है, किस तरीके से बिटिया का एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो सकता है ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। उसकी माँ सलाह देती है कि आप साहूकार से ऋण ले लीजिए और इसका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा दीजिए। बिरजू कहता है बिरजू की बेटी को कि मैं बेटी तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में साहूकार से कर्ज़ा लेकर करवा देता हूँ। बेटी कहती है कि अगर एक बार हम कर्जे के नीचे आ गए तो हम उसे दोबारा नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि हमारे खेती के हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। बिरजू इस पर सोच विचार करने लगता है। वो अपनी पत्नी के गहने बेचकर बड़ी मुश्किल से खेती के लिए बीज ही जुटा पाता है। बेटी का एडमिशन करवाने के लिए फीस भरनी तो बहुत दूर की बात, लेकिन उसके खेत में फसल भी कुछ अच्छी नहीं हुई, बारिश कुछ अच्छी नहीं हुई थी, तो वो दुविधा में पड़ गया कि अब बेटी का एडमिशन कैसे होगा। दोनों पति पत्नी सलाह मशवरा करते हैं कि अब क्या किया जाए। पत्नी फिर से कहती है कि साहूकार के पास जाया जाए और उससे कुछ ऋण लेकर बेटी का एडमिशन करवा दिया जाए, आखिरकार बेटी के सपने तो पूरे करने ही हैं। बिरजू कहता है कि ये ठीक रहेगा, मैं साहूकार के पास चला जाता हूँ, उससे कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ। वो रात भर सोचता रहता है कि क्या कोई और तरीका हो सकता है या किसी और ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो सकती है जहाँ पर फीस कम हो। ऐसे ही सोचते सोचते रात बीत जाती है और फिर सुबह वो सोचता है कि मैं साहूकार के पास ही चला जाता हूँ। तो सुबह उठकर बिरजू साहूकार के पास जाने की तैयारी करता है। साहूकार के पास पहुँचकर वो सोचता है कि अपनी बेटी का एडमिशन अब मैं करवा लूँगा, तो साहूकार के पास जाने के लिए चल पड़ता है। साहूकार के पास जब बिरजू पहुंचता है तो साहूकार उसे कहता है कि बजाय कि ऋण लेने के बिरजू अपनी बेटी का एडमिशन किसी ऐसे कॉलेज में करवा दे जहां पर फीस कम है और जो गांव के बच्चों के लिए ही खुला हुआ हो और गांव के बच्चों को सस्ती शिक्षा देने के लिए बनाया गया हो। तो बिरजू कहता है कि ऐसा कौन सा कॉलेज है। साहूकार कहता है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो एक ऐसा कॉलेज है जो कि ग्रामीण स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है और उनमें अच्छी शिक्षा उनको देने के लिए उसका निर्माण किया गया है। बिरजू यह सोचकर खुश हो जाता है कि अब उसकी बेटी भी पढ़ पाएगी और उसकी बेटी भी अपने सपने पूरे कर पाएगी। साहूकार कहता है कि ये कॉलेज एक बहुत अच्छा कॉलेज है। बिरजू सोचता है और पूछता है कि क्या वहाँ पढ़कर मेरी बेटी के सपने पूरे होंगे। साहूकार कहता है, सुनो, ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कॉलेज में मेडिकल और नॉन मेडिकल के अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो 90% से ज़्यादा मार्क्स यहाँ के विद्यार्थी अक्सर ही लेकर आते हैं और बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर खूनदान कैंप लगाए जाते हैं, यहाँ पर क्विज़ कंपटीशन करवाए जाते हैं और अलग अलग वैल्यूज़ उनमें इम्पार्ट करने के लिए वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं और सेमिनार्स के अंदर विद्यार्थियों को ही पार्ट लेने के लिए उत्साहित किया जाता है ताकि उनके अंदर पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अंदर भी इंटरेस्ट पैदा हो सके। उनको लीगल इंफॉर्मेशन भी दी जाती है ताकि आगे जाके सोसाइटी में वो एक अच्छे इंसान की तरह उभर सकें। पोस्टर कंपटीशन और स्लोगन राइटिंग कंपटीशन ये सब यहाँ पर करवाया जाता है। यहाँ पर इनाम भी दिए जाते हैं उन विद्यार्थियों को जो अव्वल आते हैं, तो यहाँ पर विदायगी समागम भी करवाए जाते हैं। मतलब क्या है कि जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ने के साथ साथ एंजॉय भी करते हैं। तो ऐसा कॉलेज जो स्पोर्ट्स मैनशिप भी विद्यार्थियों के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है वो है यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो। टूर पर भी जाते हैं यहाँ के विद्यार्थी और NSS में पार्ट लेते हैं। ये सुनकर बिरजू बहुत खुश हुआ और अपने साथ के सभी लोगों को यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो में अपने बच्चों को पढ़ाने की सिफारिश करने लगा। चलिए, आप भी देर मत कीजिए और अपने बच्चे का एडमिशन जल्दी यूनिवर्सिटी कॉलेज जैतो में करवाइए।
सीट्स लिमिटेड हैं, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी फास्ट। थैंक यू।